जय श्री कृष्णा। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैं आपको सिखा रहा था कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है। जैसे हॉलो हेमिस्फीयर का r/2 पे होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 पर होगा, ठीक है। हॉलो सॉरी हाफ डिस्क का 4r/3π पे होगा, हाफ रिंग का जो है वो 2r/5 पर होगा, कौन का कहां, वैसे करके बहुत सारी मैंने चीजें बताई थी आपको कि किसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो अब मैं उससे जुड़े हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दे रहा हूं करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग मान लीजिए दो तरह से बनी हुई है। जो ये वाला पार्ट है रिंग का, मतलब इसका आधा जो है इसका मास पर यूनिट लेंथ 2λ है और इस वाले आधे हिस्से का मास पर यूनिट लेंथ λ है। रिंग का जो सेंटर है वो O है, ठीक है, और रिंग का रेडियस r के बराबर है। रिंग जो है इसका रेडियस r के बराबर है, ये दे रखा है। तो ये जो आधी रिंग है इसका मास पर यूनिट लेंथ एकांक लंबाई का द्रव्यमान 2λ है और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो λ के बराबर है। अभी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ, ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा। पॉज लेंगे 2 मिनट का, फिर देखेंगे आर एस सर का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूं, देखिए ये 2λ है और ये λ है। तो अगर मैं इस आधे हिस्से का मास, इस आधे हिस्से का मास मैं m1 मान लू, तो m1 होगा λ 2λ इंटू πr। भाई 1 मीटर का मास λ है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी, πr। तो πr मास का, मीटर का मास होगा 2λ इंटू πr, और इस आधे हिस्से का मास अगर मैं m2 मानू तो m2 हो जाएगा λ इंटू πr, या m1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2m2, ये लिखा जा सकता है। देख ले भाई λ इंटू पाई आर है या 2λ इंटू पाई आर है, तो m1 की जगह 2m2 लिखा जा सकता है। तो अब देखें हमारे पास एक मास यहां पर m1 है, इसकी दूरी इससे है 2r/π, एक दूसरा मास हमारे पास m2 है और ये डिस्टेंस भी 2r/π है। आधी रिंग का तो 2r/π भी होता ही है। तो अब अगर हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ओ पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन से दूरी। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं और इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में निकालूंगा तो ये हो जाएगा m1 इंटू 2r/π और इसका हो जाएगा m2 इंटू -2r/π अपॉन m1 + m2, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m1 की जगह आ जाएगा 2m2, तो मैं सारी वैल्यूज यहां रख दूंगा, तो m1 की जगह आ गया 2m2 इंटू 2r/π माइनस m2 इंटू 2r/π अपॉन m1 की जगह 2m2, तो m1 तो ये 3m2 हो जाएगा। m2 सारे उड़ जाएंगे, जितने भी m2 हैं ये उड़ जाएंगे, देखिए उड़ गए, और 2r/π कम कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2r/3π, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 2r/3π, इसके बराबर आ जाएगी। और देखते हैं, चलिए और सवाल। क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, डिस्क का मास m है और डिस्क का रेडियस r है, और इसी डिस्क के ऊपर एक r/2 रेडियस की डिस्क और रख दी गई है। वो दूसरी डिस्क भी सेम मटेरियल की है, सेम थिकनेस, सब कुछ सेम है, बस दूसरी वाली डिस्क का रेडियस r/2 है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑन ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R, एनदर डिस्क ऑफ रेडियस, एनदर डिस्क ऑफ रेडियस R/2 इज केप्ट एज शून
is kept as shown on a disk of radius capital R. Another disk of radius R by 2 is kept as shown. Find the distance of and the distance of center of mass from O. सेंटर ऑफ मास की ओ से दूरी बताइए, मतलब ये ओ पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ये। एक बड़ी डिस्क थी जिसका रेडियस कैपिटल आर था, उसके ऊपर आर बाई टू रेडियस की एक डिस्क, आर बाई टू रेडियस की एक डिस्क इस तरह से रख दी गई है। दोनों डिस्क सेम मटेरियल के बने हैं, दोनों मान लो लोहे के बने हैं, दोनों की थिकनेस सेम है, बस एक का रेडियस आर है दूसरे का आर बाई टू है। तो आपको बताना है कि इस कॉम्बाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओ पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहली जो बड़ी वाली डिस्क है उसका मास अगर देखा जाए तो मास बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। जो बड़ी डिस्क है उसका मास अगर कैपिटल एम मान लिया जाए तो वो बराबर होगा मास पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है इनटू एरिया। छोटी डिस्क जो है, मैं मान लेता हूं बड़ी डिस्क जो है वो यहां पर है, छोटी डिस्क का मास मैं स्मॉल एम मान लेता हूं तो स्मॉल एम भी आएगा मास पर यूनिट एरिया, चूंकि मटेरियल सेम है थिकनेस भी सेम है तो मास पर यूनिट एरिया तो सेम रहेगा ही रहेगा, तो यह आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई R by 2 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर आ जाएगा m by 4। तो जो स्मॉल m आएगा वो m by 4 के बराबर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कैपिटल m और स्मॉल m, ये दो आ गए। अब हमें अगर कैपिटल m और स्मॉल m दो मासेस पता चल गए तो दो मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि जैसे पहले मास से अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो पहले मास से अगर डिस्टेंस पूछी गई तो सेकंड मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो जैसे यहां से डिस्टेंस पूछी गई है तो यहां से जो डिस्टेंस होगी वो होगी सेकेंड मास यानी स्मॉल एम, इनके बीच की दूरी कितनी होगी आर बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा। तो स्मॉल एम की जो वैल्यू आ रही है वो एम बाई फोर आ जा रही है ना, तो स्मॉल एम को स्मॉल एम ही रहने दे रहा हूं मैं, आर बाई टू कैपिटल एम जो आ रहा है फोर एम आ जा रहा है, तो कैपिटल एम की जगह मैं फोर एम रख दूंगा और प्लस एम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे एम साढ़े उड़ जाएंगे और ये हो जाएगा आर बाई टेन। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सिस्टम जो है उसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से आर बाई टेन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब राइट साइड में आएगा और ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आर बाई टेन के बराबर आ जाएगी। तो एक और नए टाइप का सवाल लेके आया मैं आपके लिए। ये एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r, एक विशेष तरह के सवाल है और ये सवाल आपको यहां भी मिलेंगे, रोटेशन में भी मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में मिलेंगे, मैग्नेटिज्म में, कई जगह पर इस तरह के सवाल होते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि डिस्क था जिसका मास m था, रेडियस r था, इसमें हमने क्या किया, r बाई टू रेडियस की एक डिस्क काट के निकाल दी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था r बाई टू रेडियस की डिस्क रख दी इसके ऊपर। इस क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा है कि r बाई टू रेडियस की एक डिस्क इससे काट के निकाल दे रहे हैं। तो अगर हम r बाई टू रेडियस की डिस्क काट के निकाल दे रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है, ये इस पर सवाल बनता है। ये तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल r, another disk of from a disk of radius capital R, another disk of radius R by 2 is removed as shown from a disk of radius capital R, another disk of radius R by 2 is removed as shown. Find the distance of center of mass of remaining portion, find the distance of center of mass of remaining portion, find the distance of center of mass of remaining portion from point O. ये जो O पॉइंट है यहां से जो बचा हुआ हिस्सा है,
देखें एक पूरी पूरी डिस्क थी जिसका मास m था, रेडियस r था, इसमें से हमने कहा r by 2 रेडियस की डिस्क काट के निकाल दी, तो जो जो बचा हुआ हिस्सा है, इतना पोर्शन तो मैंने काट के निकाल ही दिया था, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी O से, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो O से कितनी दूरी पर होगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनके अंदर एक कॉमन अप्रोच होता है, उस कॉमन अप्रोच को अगर एक बार हम लोग सीख लेंगे तो इस तरह के सवालों को हम हमेशा और सही तरह से कर पाएंगे। वो कॉमन अप्रोच क्या है कि ये मानने के बजाय कि हमने वहां से कुछ निकाला है, हम ये मानेंगे कि उतना ही नेगेटिव मास मैंने रख दिया। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि भाई नेगेटिव मास नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव मास नहीं होता है, लेकिन अगर हमने मास को नेगेटिव ये मानने के बजाय कि उतना हमने वहां से काट के निकाला है, अगर हम ये मान लें कि उतना ही नेगेटिव मास हमने रख दिया, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और मैथमेटिकली क्वेश्चन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि तो आप ऐसे समझ लो कि मैंने आपको 100 रुपए दिए या आपसे मैंने -100 रुपए लिए, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो ये माना जाए, ये मानने के बजाय कि हमने काट के निकाला है, हम ये मान रहे हैं कि उतना ही जितना काट के निकाला है ना, उतना ही नेगेटिव मास वहां रख दिया है। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारी जो पुरानी डिस्क है वो एकदम वैसी की वैसी रह जाएगी, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया हमने, उल्टा यहां पे एक डिस्क और रख दी जिसका मास नेगेटिव में था। तो यहां पर जैसे पुरानी जो डिस्क थी उसका मास कैपिटल एम था, जो काट के निकाली उसका मास अगर हम निकालें, ठीक है, तो सेम वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, m बराबर था सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल m कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r बाई 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा m बाई 4। इतना मास काट के निकाला था स्मॉल m, तो हम ये मानेंगे नहीं कि हमने वहां से कुछ काट के निकाला है, हम मानेंगे कि हम माइनस m और रख दिया मैंने, जो बड़ी डिस्क थी वो ऐसी उसमें छुआ ही नहीं उसको, वो एकदम वैसे की वैसे, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो दूसरी वाली डिस्क थी जो काट के निकाला था उसको मैंने मान लिया कि कुछ भी काट के नहीं निकाला, बड़ी डिस्क वैसे की वैसी है, बस उतना ही नेगेटिव मास माइनस है मैंने यहां पे रख दिया, तो अब देखिए मेरा काम आसान हो जाएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें यहां से इसकी डिस्टेंस निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो यहां से जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, सेकेंड मास, दूसरा वाला मास, जैसे यहां से दूरी निकालनी तो दूसरा वाला मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हो जाएगा। अब कैपिटल एम जो आएगा वो 4m के बराबर आ जाएगा, कैपिटल एम 4m आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस एम आर बाय 2 अपॉन 4m माइनस एम, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आर बाय 6। माइनस ये बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरफ नहीं होगा बल्कि m के लेफ्ट साइड होगा, माइनस साइन आ गया ना, तो माइनस ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में r बाई 6 डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल, अगर कुछ भी काट के निकाला जाए, कोई भी कुछ भी काट के निकाला जाए, तो आप कभी मानो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आएंगे ऐसे बहुत सारे सवाल जिनमें कैविटी बनाते हैं, खाली जगह बनाते हैं, तो ये मानना ही नहीं कि हमने कुछ काट के निकाला, हम तो मान लेंगे उतना ही नेगेटिव मास या चार्ज की बात करें उतना ही नेगेटिव चार्ज या उतना ही नेगेटिव करंट जो चैप्टर होगा उसके हिसाब से। तो ये मानने के बजाय कि हमने कुछ भी काट के निकाला, हम ये मानेंगे कि उतना ही नेगेटिव हमने इसके अंदर रख दिया है, ठीक है। अभी चलो एक और सवाल करते हैं, इस बार क्या है, डिस्क नहीं, इस बार स्फीयर है, एक स्फीयर है, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल है। स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, और इसमें से r बाई 2 रेडियस का एक स्फीयर काट के निकाल दिया गया। मैं लिखा नहीं रहा हूं सवाल, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, और इसमें से r बाई 2 रेडियस का एक स्फीयर काट के निकाल दिया गया है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी ओ पॉइंट से उसका सेंटर मास कितनी दूरी पर होगा। फिर से सवाल में बोल रहा हूं, पूरा एक स्फीयर था r रेडियस और मास m का, उसमें से r बाई 2 रेडियस का एक काट के स्फीयर निकाल दिया गया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसका सेंटर ऑफ मास O पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा। पॉज लेंगे 2 मिनट का, फिर देखेंगे आर एस सर का सॉल्यूशन। तो अब चलिए इसके अंदर मैं सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहा हूं। ये पॉइंट O है, और अगर हम सॉल्व करें तो जैसे टोटल जो मास आएगा वो बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये 4/3 πr³ हो जाएगा, जो काट के निकाला है वो डेंसिटी इंटू 4/3 πr² का क्यूब। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल m बाई 8, तो स्मॉल m जो आएगा वो कैपिटल m बाई 8 के बराबर आ जाएगा। अब जैसे ये कैपिटल m है मान लीजिए,
और यहाँ पे काटने के बजाय हमने मान लिया कि उतना ही नेगेटिव मास रख दिया गया है। हम ये कभी नहीं मानेंगे कि काट के निकाला है, उससे गणित बढ़ जाता है। तो हम ये मानेंगे कि उतना ही नेगेटिव मास रख दिया गया है। अब पॉइंट ओ से अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो पॉइंट ओ से डिस्टेंस आएगी सेकेंड मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई टोटल मास। वैल्यूज रखें तो माइनस एम इंटू आर बाई टू अपॉन कैपिटल एम कितना हो जाएगा एट टाइम्स स्मॉल एम माइनस एम। ये हो जाएगा सॉल्व करने पे माइनस आर बाई 14। ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस आर बाई 14 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है उसका क्या यूज होता है, क्योंकि कोई कंसेप्ट दिया जाता है तो इसीलिए दिया जाता है कि भाई उसका इस्तेमाल कर पाए फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिजिकल सिचुएशंस को थोड़ा और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम लोग किसी भी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के कई सारे यूजेस होते हैं, वो सारे यूजेस मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। कुछ यूजेस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे सबसे पहला जो यूज है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैंने वो पढ़ाया था आपको वर्क और एनर्जी, तो वहां मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी होती है दोनों सेम होती है। इनफैक्ट मैंने उसका डेरिवेशन भी कराया था, एक बार मैं दोबारा यहां डेरिवेशन करा दूंगा। तो किसी भी सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और सेंटर ऑफ मास की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है दोनों सेम होती है। तो किसी सिस्टम के अंदर 50 पार्टिकल है तो आपको 50 की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी, आपको क्या करना है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहां पर इसका जो पहला यूज आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का जो यूज आ रहा है पहला ये आ रहा है कि जीपीई, जीपीई का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीपीई ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी है दोनों बराबर है। पहले मैं डब्ल्यूपी में प्रूव कर चुका हूं, एक बार फिर से प्रूव करूंगा मैं इस बात को, ठीक है। थोड़ा सा फील अच्छी तरह से आ जाए, जैसे मान लेते हैं ये मास m1 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट h1 है, इस मास m2 का वाई कोऑर्डिनेट h2 है, इस मास m3 का वाई कोऑर्डिनेट h3 है। मैंने यहां से मैं हाइट मानता हूं, जहां से हाइट मानता हूं वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है ग्रेविटी में। तो अगर मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो जैसे कोऑर्डिनेट का मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो अपने उसके अंदर लिए रहता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा यू सिस्टम, तो ये आएगा m1 जी h1 प्लस m2 जी h2 प्लस m3 जी h3 प्लस m4 जी h4 एंड सो ऑन। तो अब ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं पूरा m1 m प्लस m2 प्लस m3 से डिवाइड करूं और उसी से मल्टीप्लाई कर दूं, m1 प्लस m2 प्लस m3 से पूरा टोटल मास से डिवाइड कर दूं, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला चीज जो है ये वाला, ठीक है, जी जी बाहर ले लूंगा मैं। तो जी बाहर लेने के बाद m1 h1 प्लस m2 h2 प्लस m3 h3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये HCM हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास हो गया। तो यही चीज लिखी जा सकती है mg HCM, और mg HCM का मतलब इसी चीज को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी थी सबका जोड़ किया मैंने, फिर टोटल मास से डिवाइड किया, टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया। जी को बाहर ले लेंगे तो m1 h1 m2 h2 सबका अपॉन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का हाइट हो गया। जी कॉमन ले लेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास हो जाएगा। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी सेम होते हैं, और इसमें मैंने कई सारे सवाल आपको डब्ल्यूपी में करा रखे हैं। तो मैं दोबारा वो सवाल तो आपको नहीं कराने वाला, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके और भी यूजेस होते हैं, जैसे एक इसके अंदर यूज आता है मोमेंटम निकालने में, एक तो जीपीई का कैलकुलेशन करने में, ठीक है, दूसरा इसका यूज आता है टू कैलकुलेट द मोमेंटम, टू कैलकुलेट द मोमेंटम
ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करने में इसका इस्तेमाल होता है। कैसे हम लोग सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा, सिस्टम का मोमेंटम अगर मुझे लिखना है पीसीएम सॉरी पी सिस्टम, सीएम की बात बाद में करेंगे, पी सिस्टम अगर मैं लिखना चाहता हूं, मान लेते हैं सिस्टम के अंदर 50 पार्टिकल है, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम होगा एम वन बी वन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें वेक्टर तो देखना ही पड़ेगा एम वन बी वन, दूसरे का कितना होगा एम टू बी टू, तीसरे का एम थ्री बी थ्री, इस तरह से हो जाएगा। ये तो सिस्टम का मोमेंटम हो गया। सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो जैसे अब पूछा जाए कि भाई क्लास के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास कितने रुपए हैं, तो जिसके पास जितना रुपया है सब निकाल निकाल के जोड़ दिया जाए तो टोटल आ जाएगा। तो हमें सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो पहले का मोमेंटम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका जोड़ दिया। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन करेंगे, स्केलर होती तो स्केलर एडिशन करते, तो इस तरह से जोड़ दिया। अब हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू, पूरे सिस्टम को, पूरा जो लिखा हुआ है इसको पूरे टोटल मास से हमने डिवाइड कर दिया M1 प्लस M2 का, और टोटल मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, टोटल मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा M, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये कितना जाएगा VCM। अब ये टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, PCM भी बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम का मोमेंटम है और जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है, दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना है तो उसमें मान लो बहुत सारे मासेस हैं, तो आपको हर मास का अलग से नहीं निकालना है, आप तो सारा मास सेंटर पे मान लो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे, और उसी का मोमेंटम निकाल लो। यानी कि मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि जैसे मान लो कि ये कोई रॉड है, रोटेट, ऐसे एक मान लो ये ऑब्जेक्ट है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, हमें इसका मोमेंटम निकालना है तो हमें अलग अलग की वेलोसिटी से मतलब नहीं, जैसे ये रोटेट करेगा, तो मान लो ये मेरा हाथ ऐसे रोटेट कर रहा है, सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो अगर मुझे इसका मोमेंटम निकालना है तो मुझे पूरे से मतलब नहीं, बस जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है और जो सॉरी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है और जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहां से एक बहुत अच्छी और काम की बात निकल के आती है जो सवालों में पूछी जाती है। मान लीजिए कि मैं ट्रेन पे बैठ के जा रहा हूं, तो अगर मैं ट्रेन पे बैठ के जा रहा हूं तो मेरे हिसाब से तो ट्रेन रुक गई ना। अब मान लीजिए मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जा रहा हूं, आराम से सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मैं चला जा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास रुक गया। अगर सेंटर ऑफ मास रुक गया तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम जीरो होगा, और जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम होगा वही सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का बराबर होता है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो सिस्टम का मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो हो जाएगा। यानी अगर मैं सेंटर ऑफ मास से बैठ के देखूंगा तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो आएगा। तो मैं इस बात को नोट भी कर दे रहा हूं, द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू जीरो इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो मोमेंटम आता है जीरो आता है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठ गया तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो सिस्टम का भी जीरो हो जाएगा। तो सिस्टम का मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आता है वो जीरो के बराबर होता है। ये भी बड़ा एक अच्छा इस्तेमाल है। एक और इसके अंदर सेंटर ऑफ मास का यूज आता है, जो कि पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको, जैसे हमने बताया था ना सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एमएसी, तो अगर आपको किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो आप एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए अलग अलग मासेस के एक्सेलेरेशन मत देखो, आप तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन देखो, और एमएसीएम जो होगा वही उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज equal to net force on COM।
मैंने, अगर आपको किसी सिस्टम पर नेट फोर्स निकालना है तो आपको अलग अलग फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, 50 पार्टिकल का 50 का फोर्स, आप तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का नेट फोर्स निकाल लो। या मैं इसी चीज को ऐसे कह सकता हूं कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम एस सीएम। ये तो खैर सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही है, लेकिन यूज तो ये भी है ना कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकला है, पता है, तो मैं उस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल सकता हूँ। मुझे अलग अलग नहीं देखना कि F1 यहाँ लगा, F2 यहाँ लगा, F3 यहाँ लगा, ठीक है, मैं तो सारा का सारा जो भी फोर्स लग रहा है वो इकट्ठे निकाल सकता हूँ। अब जो मैंने सेंटर ऑफ मास के आपको यूज बताए, इसके कुछ सवाल बनते हैं। एक सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, छोटा सवाल है। एक खिलौना कार है, खिलौना ट्रेन, टॉय ट्रेन, सबने देखी होगी, सबने खेली भी होगी इस टाइप से, बहुत सारे डिब्बे होते हैं इसके अंदर। ये मान लीजिए एक खिलौना ट्रेन है, हाँ आपने खेला भी होगा बचपने में, ठीक है, और ये मतलब वो बना रही है, सेमी सर्कल टाइप का बना रही, इसका रेडियस आर के बराबर है, और ये जो टॉय ट्रेन है, खिलौना की खिलौने वाली ट्रेन है, इसके अंदर जैसे आप बचपने में खरीद के लाते होंगे ये वाली ट्रेन, तो इसके अंदर भालू जो होता है वो गार्ड होता है, और इसका ड्राइवर शेर होता है, और लोमड़ी जो है वो पहरा देती है, ऐसे करके इसमें खूब सारा बना रहता है, याद होगा आपको। तो ये टॉय ट्रेन है, इस टॉय ट्रेन का जो मास है वो कैपिटल एम है, खिलौना कार ट्रेन है इसका मास कैपिटल एम है, और ये एक पटरी पे सेमी सर्कल के फॉर्म में है, और ये पटरी पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इसके भी छोटी छोटी पटरियां भी होती हैं, तो ये पटरी पे ओमेगा से घूम रही है, इसका मास एम के बराबर है, रेडियस आर के बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ट्रेन, इस ट्रेन का मोमेंटम बताओ। दो मिनट का पॉज लीजिएगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में सॉल्व मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए इसके अंदर ये आर है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये ट्रेन घूम रही है, तो अगर हमें मोमेंटम निकालना है, तो वैसे तो मोमेंटम निकालना भारी काम है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए ये वाला इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, एक इधर जा रहा है इसका वेक्टर सम इसके साथ करना पड़ेगा, इसका मतलब सबको वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा, अब सबके अलग अलग डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी इधर, इसकी इधर, तो बड़ा भारी काम हो गया। यहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारी बहुत ज्यादा मदद यहां पे करने वाला है। सेंटर ऑफ मास कैसे हमारी मदद करेगा, हम तो क्या करें कि इस ट्रेन का मोमेंटम निकालने के बजाय इसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालना। अब देखें कि इसका सेंटर ऑफ मास है कहां, तो अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेन है इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर होगा, और ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस किसके बराबर जाएगी, 2R/π के बराबर। भाई सेमी सर्कल हो गया ना, रिंग टाइप का हो गया, तो रिंग टाइप का है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो 2R/π पर होगा। अब अगर हम इसका मोमेंटम लिखना चाहते हैं, चलो इसी के नीचे लिख देते हैं, अगर हम इसका मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम आएगा वो बराबर हो जाएगा मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अच्छा, अगर ट्रेन सर्कल में घूम रही है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगी तो सर्कल में घूम रहा होगा ना, और जो ओमेगा ट्रेन का होगा वही इसका इसके सेंटर ऑफ मास का भी होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एम इंटू VCM हो जाएगा ओमेगा इंटू 2R/π, तो ये हो जाएगा 2m ओमेगा R/π, ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हो जाएगा। तो PCM जो आएगा वो 2m ओमेगा R/π इसके बराबर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा वही सिस्टम का मोमेंटम होगा, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल था। एक और सवाल देता हूं मैं, ये 1 kg का ब्लॉक है, 2 m/s से जा रहा है, ये 2 kg का ब्लॉक है, 1 m/s से जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला है फाइंड के ऑफ सिस्टम, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाले।
तो अगर मुझे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होती है, मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर दूंगा, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकाल के ऐड करूंगा तो के सिस्टम जो आ रहा है ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू वन इंटू टू का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टू इंटू वन का स्क्वायर, यह आ जाएगा। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा टू और ये टू से टू चला जाएगा तो ये टू प्लस वन जाएगा थ्री जूल। तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो तीन जूल के बराबर आ जाएगी। अब ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तीन जूल आ गई। अब सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, आपसे मान लो कोई पूछता है फाइंड के सीएम, तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में निकालता हूं, देखिए भाई सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वी सी एम, ये हो जाएगा एम वन वी वन वन इंटू टू प्लस टू इंटू वन अपॉन वन प्लस टू, ये वी सी एम आ जाएगा। और ये बेसिकली कितना हो गया फोर बाई थ्री, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी आ गई। तो अब के सी एम जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी आएगी वह जाएगी हाफ इंटू मास इंटू वी सी एम का स्क्वायर, मास इसका हो गया तीन और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई फोर बाई थ्री यानी सिक्सटीन बाई नाइन। तो ये सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ये एट बाई थ्री जूल के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या बताना क्या चाह रहा था आपको, क्या सिखाना चाह रहा था मैं, कि यहां पर जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आई और जो सेंटर मास की काइनेटिक एनर्जी आई दोनों अलग अलग है। मोमेंटम में ऐसा नहीं है, मोमेंटम सिस्टम का जो होगा वही सेंटर ऑफ मास का होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वही सेंटर ऑफ मास की होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, भाई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हर जगह लगाया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगाया जा सकता। काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो फिर आप मतलब सिस्टम और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी, कई बार बराबर हो भी जाती है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होती, सब पूरा पूरा एक ही वेलोसिटी से सब जा रहा होता तब तो सेंटर ऑफ मास और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम ही आती। लेकिन यहां जो कि ज्यादा सवाल उलझाने वाले रहेंगे जिसमें अलग अलग वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहे होंगे, तो सिस्टम और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। मोमेंटम सेम होगा, फोर्स सेम होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस चीज को मैं एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख रहा हूं, इसको आप नोट करेंगे, के ऑफ ए सिस्टम एंड के ऑफ सेंटर ऑफ मास, के ऑफ ए सिस्टम एंड के ऑफ सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट, के ऑफ ए सिस्टम एंड के ऑफ सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट बी इक्वल। K of a system and K of a center of mass may or may not be equal. System की kinetic energy और center of mass की kinetic energy जो है वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं।